हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे कुछ व्यूवर्स ने मेरे से पूछा है कि अगर हम पुलिस के पास कोई कंप्लेंट लिख करके देना चाहते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट हो। आज के वीडियो में मैं आपको हिंदी में कैसे पुलिस को आसान भाषा के अंदर कंप्लेंट लिख करके दी जाए ताकि आपकी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन जरूर हो, ये मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अगर कोई भी पार्ट आप इसका स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक इफेक्टिव कंप्लेंट कैसे बनाई जाए। मैं ये जो कंप्लेंट आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके पड़ोसी से अगर आपका झगड़ा हो गया है और आपको पुलिस में कंप्लेंट लिख करके देनी है अपने पड़ोसी के खिलाफ, तो उस कंप्लेंट में आपको क्या क्या लिखना है और किस तरीके से आप उस पड़ोसी के खिलाफ एक्शन ले पाएंगे, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं कि एक कंप्लेंट जिसके अंदर हमें अपने पड़ोसी की शिकायत करनी है किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से इसको लिखना है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंप्लेंट बनाते हैं तो कुछ चीजों का आपको खास करके ध्यान रखना है। सबसे पहले, जब भी आप कंप्लेंट स्टार्ट करेंगे, शुरुआत में आपको इसमें लिखना है सेवा में और जिस भी आप थाने के अंदर कंप्लेंट दे रहे हैं, श्रीमान थाना प्रबंधक, थाने का नाम और प्लेस का नाम। जैसे ये था कंप्लेंट हमने दिल्ली के लिए बनाई है तो यहाँ पर हमने दिल्ली लिखा है। अगर आपको किसी भी स्टेट के अंदर जहाँ पर भी आप कंप्लेंट देना चाह रहे हैं, उस थाने का प्रॉपर आपको एड्रेस यहाँ पर करना है। तो दोस्तों, सेकंड जो चीज़ है, इसके अंदर आपको विषय लिखना है। विषय में आपको एक जिस्ट के तौर पर जो पूरी कंप्लेंट है उसका क्या सार है ये बताना है। तो जैसे इसमें हमने लिखा है, हमारे पड़ोसी सतीश वर्मा द्वारा हमारे साथ झगड़ा करने व मेरे और मेरी पत्नी के साथ मार पिटाई करने के संबंध में। उसके बाद आपको इसके अंदर लिखना है महोदय, और फिर कंप्लेंट को आपको शुरू करना है। तो सबसे पहले जब आप कंप्लेंट शुरू करेंगे तो उसके अंदर आपको अपना बैकग्राउंड बताना है। जैसे इसके अंदर हमने लिखा है, सविनय निवेदन है कि मैं रामचंद्र शर्मा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। हमने इसको एड्रेस को खाली छोड़ दिया। जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपका प्लेस है, वो आपको यहाँ लिखना है। केशवपुरम दिल्ली, जो भी आपका शहर है वो लिखना है। का निवासी हूँ और मैं यहाँ पिछले 20 साल से अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी व मेरा एक बेटा जिसकी उम्र 15 साल और एक बेटी जिसकी उम्र 12 साल की है मेरे साथ रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हमने पूरा बैकग्राउंड बताया है इसके अंदर एक पर्सन जो कंप्लेंट देने जा रहा है उसका, कि वो क्या बैकग्राउंड का आदमी है, उसके परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं। उसके बाद आपको बताना है जिस पर्सन के अगेंस्ट आप कंप्लेंट देने जा रहे हैं उसके बारे में। और इसमें लिखा है, देखिए, हमने श्रीमान, हमारे पड़ोस में एक सतीश वर्मा नाम का व्यक्ति रहता है जिसके मकान का नंबर, आपको उसका मकान नंबर लिखना है, - केशवपुरम दिल्ली है। यह व्यक्ति कोई काम नहीं करता और पूरा दिन घर पर रहता है और इसके बात बात पर लोगों से लड़ने की आदत है। तो आपने इसके बाद जिस पर्सन के कंप्लेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट देने जा रहे हैं उसके बैकग्राउंड में बताया कि वो किस तरह का आदमी है। तो सबसे पहले कंप्लेंट में आपको अपना बैकग्राउंड और जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट देने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड बताना है। बैकग्राउंड बताने के बाद हम इंसिडेंट वाले दिन की बात करेंगे कि इंसिडेंट कब शुरू हुआ और कैसे शुरू होता है। तो देखिए क्या लिखा है इसके अंदर, दिनांक - को आपको यहाँ पर दिनांक लिखनी है। और अब हमने पूरा इंसिडेंट इसके अंदर लिखा है, देखिए डिटेल में। जब मैं शाम को अपने ऑफिस से अपने स्कूटर से लौट रहा था तो सतीश वर्मा ने सड़क के बीचों बीच अपनी मोटरसाइकिल लगा रखी थी जिसके कारण वहां से आने जाने का रास्ता रुक गया था और सतीश वर्मा वहीं अपनी बंद मोटरसाइकिल पर बैठा था। जब मैंने सतीश वर्मा को उसकी मोटरसाइकिल हटाने को कहा तो वह मुझसे बोला कि सड़क तेरे बाप की नहीं है और मैं यहां से नहीं हटूंगा, तुझे जो करना है कर ले। और इतना बोलकर मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा और गाली गलौज करने लगा। आवाजें सुनकर मेरे घर से मेरा बेटा, बेटी व मेरी पत्नी बाहर आ गए। तो दोस्तों, खास करके ध्यान रखना, जब भी आपको कंप्लेंट लिखनी है तो उसके अंदर इंसिडेंट को जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंसिडेंट जहां से शुरू हुआ उस शुरुआत से लेके एक एक चीज आपको उसके अंदर बतानी है। जितना डिटेल में आप इंसिडेंट बताएंगे उतनी आपकी कंप्लेंट मजबूत होगी। देखिए आगे वो डिटेल इसके अंदर हमने दी है।
और उसके बाद मेरी पत्नी ने भी सतीश वर्मा को बोला कि वह रास्ता दे दे जिससे कि मैं घर जा सकूं। पर सतीश वर्मा ने रास्ता देने की बजाय मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की और उसे भी गाली देने लगा। जब ऐसा करने से मैंने उसे मना किया तो सतीश वर्मा ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे मुंह पर और पेट में कई घूसे मारे। जब मेरी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मेरी पत्नी को धक्का दे दिया जिससे मेरी पत्नी गिर गई और उसके सिर पर चोट लगने के कारण खून आने लगा। देखिए कितना डिटेल हमने इसके अंदर दिया है कि किस तरीके से वो बाइक पर बैठा था, रास्ता रोक रहा था, उसने मेरे साथ गाली गलौज की शुरुआत करी, उसके बाद मेरे बीवी बच्चे वहां पर आ गए, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी और किस तरीके से उनकी पत्नी को चोट लगी। तो ये सारी डिटेल आपको इसके अंदर डालनी है। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर हमने कि वो इंसिडेंट खत्म कैसे हुआ। यह सब देखकर पड़ोस से रमेश गुप्ता जी आ गए और बीच बचाव किया। मैंने और मेरे परिवार ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और अपने घर आ गए। श्रीमान मेरी और मेरी पत्नी को चोट लगी थी उसका इलाज हमने पास के अस्पताल में कराया जिसके पेपर मैंने शिकायत के साथ लगा दिए हैं। हम उस दिन इतना घबरा गए थे कि हम उस दिन शिकायत देने की हिम्मत नहीं कर पाए। तो देखो किस तरीके से इंसिडेंट को खत्म हुआ है वो हमने बताया है कि वहां पर रमेश गुप्ता जी आए और उन्होंने वह बीच बचाव करा और किसी तरीके से वहां से वो निकल गए और उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया। उस इलाज के पेपर भी उन्होंने कंप्लेंट के साथ लगाए हैं, ये भी इसके अंदर लिखा गया है। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लेंट बनाते वक्त ध्यान रखना है। फिर क्या होता है दोस्तों, देखिए अगले दिन सतीश वर्मा ने मुझे रास्ते में रोककर धमकी दी कि उस दिन तो तू बच गया लेकिन मैं तुझे जल्द ही सबक सिखाऊंगा। सतीश वर्मा से मुझे डर लगता है कि वह मुझे या मेरे परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे और आज मैं हिम्मत जुटाकर सतीश वर्मा के खिलाफ शिकायत दे रहा हूं। तो दोस्तों कंप्लेंट देते वक्त ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपने बैकग्राउंड बताई, अपनी बैकग्राउंड बताई, एक्यूज की बैकग्राउंड बताई, उसके बाद आपने पूरा इंसिडेंट बताया। अब यहाँ पर कारण बताया गया है कि आप उससे इतना डर गए हैं कि अब आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्यवाही हो, किसी तरीके से अब उसके ऊपर आप कंप्लेंट देकर के उसकी इन हरकतों को रोकना चाहते हैं। और लास्ट में फिर आपको यहाँ पर निवेदन करना है। अतः आपसे निवेदन है कि सतीश वर्मा के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि मुझे और मेरे परिवार को कोई परेशानी ना हो और हम शांति से रह सकें। और लास्ट में इसको खत्म करते वक्त आपको बताना है कि मैं आपका विश्वासी हूं, रामचंद्र शर्मा अपना नाम लिखना है, अपने साइन करने हैं, डेट डालनी है और साथ में अगर कोई आपके पास गवाह है जैसे यहां पर रमेश गुप्ता जी ने बीच बचाव किया था और वो उनकी कंप्लेंट को साथ में देना चाहते हैं तो उनके साइन कराइए, उनका एड्रेस लिखिए और ये कंप्लेंट आप थाने में जमा कराइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, अगर इस तरीके से आप कंप्लेंट बनाएंगे पुलिस को आपकी कंप्लेंट के ऊपर कार्यवाही करनी पड़ेगी और दोषी को सजा मिलेगी। जब वो कोर्ट में जाएगा तो इस तरह की कंप्लेंट में जब कार्यवाही होगी तो वो कभी नहीं बच पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कंप्लेंट लिखें डिटेल में लिखें और एक एक चीज को आप उसके अंदर डालिए। जैसे मैंने इसमें बताया कारण बताना है आपको, बैकग्राउंड बतानी है, इंसिडेंट एक्सप्लेन करना है और लास्ट में कंप्लेंट को खत्म करते वक्त आपको उसके अंदर निवेदन करना है। फ्रेंड्स अगर आपका भी इस कंप्लेंट के फॉर्मेट को लेकर के या किसी और कंप्लेंट के फॉर्मेट को लेकर के कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके कानूनी अधिकारों से संबंधित नई नई जानकारियों के साथ जुड़ता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।